सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, चौकर होंगे, फिट होंगे। सो गाइज, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है पहलगाम से। तो पीछे आ चुकी है हमारी चावल जो सुबह सुबह हमारे यहाँ, देखो ये गाइज चावल सुबह सुबह आ चुकी है गाइज। ये देखो भाई, सुबह सुबह चरने शुरू हो गई है। तो आपने नहीं चरा अभी चार गाय? इसको कल क्या हुआ था? गाय रोनी थी। क्यों? मम्मी से डांट पड़ी थी। डांट पड़ी थी? मारनी पड़ी? ये गाइस देख रहे हो अब देखो भाई, फिर यहाँ पे इसका नवाना शुरू हो चुका है। अगर आपने डाला मैं नीचे गिरा दूंगी आपको। नहीं नहीं, डिलीट करो इसको, ठीक है ठीक है, डिलीट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा आदू हेलो कर दे। भूत बना कर दे सो गाइज, अभी सुबह सुबह ना उठ के हम आ चुके हैं भाई बाहर अपने विला के बाहर। भाई हमने ये पूरा का पूरा ये जो घर है ना, तो यहाँ पर भाई हमने रूम वगैरह लिया हुआ था। सारे पूरे सारों ने अपना अपना रूम लिया था, हर एक फैमिली। तो क्या फ्रंट है, क्या फ्रंट है, मुझे कहाँ लगी है। सो गाइज, तो यहाँ पर ना अभी सुबह सुबह हमने उठ के पहले ब्रेकफास्ट किया, खुद ही यहाँ पे प्रिपेयर वगैरह की थी। यहाँ पे पापा, मम्मा, मासी, मामी, शिवी, बांदर, तो ये हमारी सोम्या जिसको दादी की बहुत याद आ रही है। तो बैठ। तो गाइस यहाँ पे ना बनी थी चाय, यहाँ पे कलाड़ी भी खत्म हो गई है, यहाँ पे न्यूट्री पड़ी हुई है गाइस। तो ये अभी हम ब्रेकफास्ट कर बैठे हैं, मैंने तो कर लिया, अब जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। तो ये हमारा आदू काफी ज्यादा मजे पे है। तू मजे में? हमें एक शख्स मिला। सो गाइस, हमें एक शख्स मिला, ये देखो भाई कैसे रोटी खा रहा है। ओ प्रावा, प्रावा पहली बार मिली है शिवेन, पहली बार मिली थी रोटी, बोल ना। फोटो आ गए यार, मामू ने खींच लिया यार। देखो गाइस, सबसे पहले शुरू हुआ था, सबसे लास्ट तक लगा हुआ है। पतीला भी खाली इसने किया गाइस, ये देखो चेक कर रहे हो। हाँ फाइनली यहाँ से निकलने की भाई तैयारी हो चुकी है भाई। सब अपनी अपनी गाड़ियाँ साफ करने के, यहाँ पे सोनू, वहाँ पे मामू, वहाँ पे शाम भैया, सब शुरू हो गया भाई। ये देखो भाई, सब ओके सिस्टम हो गया। हाँ जी टिंकू, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? गाड़ी हमारी ओके है, साफ सफाई हो रही है। हाँ चमक गया गाइस सिस्टम। सो हाँ जी गाइस, फाइनली हम गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं भाई पहलगाम से। तो अभी फिलहाल हम पहलगाम से जा रहे हैं, तो ये देख सकते हो पहलगाम के नज़ारे। तो भाई इस रिवर, ग्लेशियर के रिवर पे भाई कल हम नहाए थे और अपना गोटा तोड़वा दिया था भाई। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लड लीक हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा गिल्ली गिल्ली जगह लग रही है। कोई पता नहीं अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखते हैं। अरे पहलगाम के रास्ते से जा ही रहे थे, तो यहाँ पर ये नदी दिखी है भाई, काफ़ी ज़्यादा। देखो कितना साफ पानी है, देख रहे हो बिल्कुल। ये साथ इन्होंने ऐसे एक कनाल सी बनाई हुई है जो बिल्कुल पहलगाम की रोड के बिल्कुल साथ से पानी जा रहा है। देखो ये नया टाइप बनाई हुई है बिल्कुल, तो जम्मू की नया सीवी इन्होंने की देखी आपने गाइस? गांधी डाला हुआ इन्होंने गाइस वहाँ पे, इन्होंने पता लग गया आपके इलाके ना। यहाँ की नहर देखी है चमकी गाइस, यहाँ पे ना शिवेन आगे गांध डाल सकता है अगर यहाँ पे 10 दिन रहे तो। 10 दिन रहे, ये भी ये 10 दिन रहे ना शिवेन भी इस नहर की जम्मूली नहर जैसी लाते। तो गाइज अब हम जा रहे हैं भाई मार्टन टेंपल की तरफ। तो भाई देख रहे हो रोड कितनी प्यारी ब्यूटी है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, बीच से गाड़ी रोड निकाली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया यार। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं मार्टन टेंपल की तरफ जो कि सन टेंपल है। अब चलते हैं वहाँ जाके, और वहाँ जाके भी आपको पूरा बताएंगे कैसा टेंपल है, क्या उसकी कहानी है, कौन सी हिस्ट्री है, पूरा उसको ब्रीफ में बताएंगे। वो शाम पहुँचना है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया, चलते सीधा मार्टन टेंपल और आप उसको दर्शन कराते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं मार्टन टेंपल भाई, जो यहाँ का सूर्य मंदिर है, तो इसके अंदर अभी हम पहुंच चुके हैं। तो भाई बाकी गाड़ियाँ जो अभी वो पीछे हैं, तो हम तो इस लोकेशन में पहुंच चुके हैं। काफ़ी प्यारी लोकेशन है, और यहाँ पर भी भाई कनाल सी बनी हुई है जहाँ पर आप नहा सकते हैं, गौरी कुंड जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक ही कुंड सा बना हुआ है जिसका नाम है गौरी कुंड, ये आगे जो कुंड है इसका नाम है गौरी कुंड। इस कुंड में स्नान का समय प्रातः 4 बजे से सुबह 10 बजे तक है। ये जो अंदर कुंड आप देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे ये देखो, ये इसका नाम है गौरी कुंड। इसको सुबह 4 बजे से 10 बजे तक के लिए खोला होता है, बीच में मछलियाँ देख लो, ये देखो
ये कितनी छोटी छोटी प्यारी मछली है यार, चेक करो। और वो ऊपर रहा मार्टन टेम्पल, ये सूर्य टेम्पल है भाई, सूर्य भगवान के ऊपर ये मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर। तो ये जो आ रहा है ना, जो ये पूरा यहाँ पे कुंड बना हुआ है गौरी कुंड, उसका पानी इधर आगे भी आ रहा है, जो उसके बाद 10 बजे के बाद आप यहाँ पर भी स्नान वगैरह कर सकते हो। ये देखो ये गौरी कुंड, यहाँ पे आप नहा वगैरह सकते हो। गौरी कुंड तो यार वृंदावन में है ना, यहाँ पे भी है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे ना मछलियाँ, ये कितनी बड़ी बड़ी मछली है, और यहाँ पे बच्चे नहा भी रहे हैं। वहां से अंदर एंटर करके ना, और यहाँ पर एक काफी बड़ा कुंड देखा है। ये देखो भाई, ये देखो कितना ज्यादा, और बीच में मछलियाँ चेक कर रहे हो भाई, ये देखो कितनी मछलियाँ, और ये बीच में मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग है शायद क्या है। अब आगे जाके ही देखते हैं, ये बिल्कुल कुंड के बीच में, बिल्कुल कुंड के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। जब आगे आके देख लिया, जो ये बीच में मंदिर है ना, इसमें शिवलिंग है, शिव जी भगवान जी का मंदिर है बिल्कुल सेंटर पे। ये देखो गाइस चेक करो, बिल्कुल पूरे कुंड के सेंटर पे, ये देख रहे हो, और बीच में मछलियाँ चेक करो गाइस। ये देखो ये है मार्टन टेम्पल, सूर्य भगवान का मंदिर है ये। जो ये कुंड है ना, इसका नाम है कमल कुंड। इसको सुबह 8 बजे के बाद, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इसके अंदर आप स्नान कर सकते हो। इसका नाम है कमल कुंड। यहाँ मंदिर परिसर में ना, यहाँ पर आज शिबील भी लगी हुई है। आपको पता है यार, निर्जला एकादशी भी है, तो यहाँ पर आज शिबील भी लगी हुई है। ये देखो रूह अफ़ज़ा, सो गाइस वो आपको कमल कुंड के भी दर्शन करवाए ना, उससे ऊपर एक और कुंड है भाई। यहाँ पे इतने कुंड है यार, क्या कितने बताऊं। ये तीसरा कुंड आ गया जो मेन ऊपर है, इसका नाम नहीं मुझे भी कंफर्म पता, पर यहाँ पर भी एक कुंड है। मुझे लगता है यहाँ पर स्नान नहीं करने रहते, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और यहाँ पर भी एक शिवलिंग है। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर, तो अब चलते हैं। सभी पहले ये रहा राधा कृष्ण और दुर्गा मंदिर, ये देखो भाई। तो गाइस ये मंदिर है जो कि सूर्य भगवान के ऊपर है, ये देखो भाई सूर्य, सूर्य भगवान की प्रतिमा जो। गाइस यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, हलवा प्रसाद, ये रहते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुंड देखो कितने, एक कुंड, वो दूसरा कमल कुंड, और वहाँ पीछे जाके है गौरी कुंड। तीन कुंड है यहाँ पे, और इस कुंड में मुझे लगता है नहाने नहीं देते, स्नान यहाँ पे नहीं करने देते, वहाँ पे 8 बजे तक, और पीछे गौरी कुंड में 10 बजे तक। तो गाइस ये रहा टेंपल। अभी हम पुलवामा वाली तरफ से जा रहे थे, तो यहाँ पे इतनी प्यारी ब्यूटी आई है ना, देखो दोनों तरफ खेत ही खेत, और बीच से रोड जा रही है, देख लो कितना प्यारी लोकेशन लग रही है यार। ये देखो, और सामने बिल्कुल बर्फ के पहाड़ है, वो बीच है ग्लेशियर सा गाइस, ये देखो वाओ या इट्स ओके। फाइनली अभी हम पहुंचे हैं हीरपुरा पुलिस स्टेशन के पास, तो यहाँ पे पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया है, क्योंकि आगे भाई अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके कारण सारी की सारी गाड़ियाँ देख रहे हो पूरी रोक दी हुई है। सो गाइस फाइनली अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं भाई, एक फ़ोन करवाया यहाँ पे सब जो थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकाली, क्योंकि पीछे ये देखो कितना ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कोई गाड़ी नहीं निकालने दे रहे। हमने हमारी बीच में फंसी हुई थी, सारी गाड़ियों को साइड करके पुलिस वाले निकलवाई है शिवेन के पास। शिवेन चाबी देना। तो गाइस फाइनली हम मुगल रोड पे चल ही रहे हैं, तो यार ये सामने पहाड़ियाँ आप चेक कर सकते हो यार, कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, और कितना ज़्यादा प्यारा नेचर है यहाँ का यार। ये देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा यार, शाम में सच बोला पहलगाम से ज्यादा सुंदर ये जगह है कि नहीं? नहीं, हमारा जो पुंछ में पड़ता है डुबजिया, ये सबसे बेस्ट है कि नहीं? ये डुबजिया हीरपुरा का जैसा इलाका है, शोपियां क्रॉस करते ही पीर गली वाला इलाका, इतना प्यारा इलाका है। ये देखो भाई, अब यहाँ पे कहीं पे साइड पे लगाएंगे गाड़ी, तो यहाँ पे इंजॉय करेंगे। ये देखो यार, अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रही है पास सामने, ये देखो भाई कितनी प्यारी लोकेशन है यार यहाँ पे। देखो अब हम ऊपर रुकेंगे जहाँ पे बिल्कुल प्लेन मैदानी इलाका आएगा ना, बस वहाँ पे रुकेंगे, और वहाँ पर ना खुद ही खाना शाना प्रिपेयर वगैरह करेंगे। आपको पता है निर्जला एकादशी वगैरह भी है, बारह कुछ खाने, खुद ही सारा कुछ, हमने सिलेंडर वगैरह सब कुछ साथ लाया हुआ, आपने देखा ही होगा जो हमने पहलगाम पे भी होटल में हमने खुद बनवाया था। तो अब यहाँ पर भी हम किसी पहाड़ी के ऊपर की प्लेन जब ग्राउंड टाइप आएगा ना, वहाँ पे खड़े होकर आराम से खाना खुद प्रिपेयर करेंगे, और वहाँ पे खाएंगे बैठ के, और धूप काफ़ी ज़्यादा छाँव वाली जगह ढूंढेंगे।
देखते हैं ऊपर कैसी लोकेशन। लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है यार, मैं बोलता हूँ श्रीनगर जाने से अच्छा ना बंदा यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे टूरिज्म वालों को ना यहाँ पे हट बनाना चाहिए जिससे यहाँ पे टूरिस्ट रुके। क्या बोलते हो यहाँ भैया, है कि नहीं पापा? होने चाहिए ना, यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा। अगर मुगल रोड को देखा जाए ना, सही एक्सप्लोर किया जाए, मैं जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जो भी देख रहे हैं भाई हमारे लोकल हो या बाहर के हो, मैं सबसे ये बोलता हूँ कि भाई ये मुगल रोड को एक्सप्लोर करो यार, बहुत ही प्यारी लोकेशन है और इसको दूर तक पहुँचाओ। बस मेरी तो यही सोच है। अब बाकी अब सब समझदार हो यार, यहाँ आओगे तो यहाँ की ब्यूटी का पता चलेगा, बहुत ही प्यारी ब्यूटी है। और यहाँ से ऊपर जो लेक्स हैं, लेक्स तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी ऊपर लेक्स हैं यार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है हमारे रजौरी पुंछ की। पर तब भी टूरिस्ट श्रीनगर जाता तो जाता रहे, तो भाई लेक जैसे श्रीनगर में जैसे डल लेक है, कितनी आपने देखा ना कितनी, और हमारे यहाँ के ऊपर की देखना लेक्स जो नंदन सर वगैरह है कि वो लेक देखना और डल लेक से कंपेयर करना, तब पता चलेगा आपको कि लेक्स किसको बोलते हैं। फिलहाल तो भाई चलते हैं यहाँ से मुगल रोड इंजॉय करते हुए। अभी यहाँ की खिलाड़ी क्या चीज़, यहाँ की खिलाड़ी बहुत बच्चे की खिलाड़ी बहुत सही है। हाँ, और यहाँ जैसे हमारे यहाँ पे रजौरी पुंछ में खिलाड़ी मिलती है छोटी छोटी ऐसे गोल सी, यहाँ पे जो खिलाड़ी मिलते हैं वो चपाती टाइप पूरा राउंड फुलके टाइप यहाँ पे खिलाड़ियाँ मिलती हैं। अगर रास्ते में कहीं मिलेंगी तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे इस डुबजियाँ के एरिया में ना, जो ये एरिया है, ये एरिया डुबजियाँ का देखो कितना प्यारा एरिया। तो भाई यहाँ पे अभी खिलाड़ियाँ छिलाड़ियाँ भी बंदे देते हैं, जो मिलती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना ये देखो खिलाड़ी कैसी हैं, बताना खिलाड़ी, ये कलाड़ी है, ये देखो पूरा फुलके जैसी, ये 10 12 पीस है 200 का, 12 पीस 200 का जी सर, नहीं नहीं 12 पीस है, ये देखो 105 जी 12। सो गाइस फाइनली अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन में रुके हैं जहाँ पर ये ऊपर से मतलब पूरी सी मतलब एक कस्सी टाइप आ रही है, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँगा, फॉल तो किसी एंगल से दिख नहीं रहा है पर ऐसे पानी सा आ रहा है ऊपर, काफ़ी प्यारा लग रहा है। देखो गाइस, सो गाइस अभी उस हम जहाँ पे अभी पानी वाली जगह थी वहाँ पे फोटोशूट वगैरह करके निकल आए हैं, तो यहाँ से बाहर की ब्यूटी चेक कर रहे हो यार। ये देखो जितनी ज़्यादा आगे जा रहे हैं ना मुगल रोड पर उतनी ब्यूटी बढ़ती जा रही है। मैं बोलता हूँ मुगल रोड पर आप हर एक मोड़ के बाद ना कुछ अलग ही नज़ारा नजर आएगा हर एक मोड़ के बाद। देखो ये मोड़ टर्न किया, वो सामने एक और झरना आ चुका है, वो देखो सामने, वो देख रही बीच में, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हर मोड़ बाद आपको कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। अभी जहाँ पे हम रुकेंगे वो जगह देखना कितनी प्यारी होगी। सो गाइस फाइनली कुछ हम ऐसी लोकेशन में यहाँ पे रुके हैं, तो यहाँ का नज़ारा कुछ आप हमारे पीछे देख सकते हो, सांस फूल गया क्योंकि वो नीचे रोड से ऊपर चढ़ के आए हैं। क्या बोलते हैं अन्नू, मज़ेदार जगह है नहीं? सो गाइस फाइनली यहाँ पे यार इतना मज़ा इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ रील्स वगैरह शूट किए हैं, और यहाँ पे पीछे छोटी छोटी बकरियाँ हैं ना इनके साथ भाई बकरवाली कुत्ते, कुत्ता देखा था अभी कितना खतरनाक था, हैं वहाँ भी चले गया भाई, इन बकरियों की रखवाली करने के लिए आया हुआ। नहीं तूने खाना कुत्ते को या कुत्ते ने तुझे खाना, हैं क्या कर रहा तूने कुत्ते को खाना, तो भाई इसने कुत्ते को खाना। तो भाई ब्यूटी चेक कर रहे हो यार, ये है हमारी मुगल रोड की ब्यूटी, चेक करो गाइस, ये देखो देख रहे हो कितनी प्यारी है। और फिर गाइस वो कुछ निकाल के लाया अभी पहाड़ी से, क्या निकाल के लाया, ओ वाह के यार शाबाश मार ताड़ी फिर जाओ और ले आओ, ये मशरूम नहीं है ये पता नहीं दावे हैं, ये दावे हैं पता कितने महंगे होते हैं, ओ शाबाश अब और ले आओ और लेके आ जा जाओ जाओ और लेके आओ। ये देखो गाइस मशरूम है या दावे हैं कोई पता नहीं क्या, दोनों में से कोई एक चीज है। मैं यहाँ पे दावे इकट्ठे कर रहे हैं भाई, इतनी महंगी सब्जी होती है ना दावों की, या मशरूम है, मशरूम तो है नहीं, दावे ही हैं सारे बोल रहे हैं इस पूरी पहाड़ी पर बीच बीच में लगे हुए निकाल रहे हैं दावे, इसकी सब्जी बनती है। सो मेरे को पड़ेगी मार, अब मम्मी से गाले पड़ रही है। ओहो डोरी है, डोरी है, डोरी है तू, जा देता हूँ मम्मी के पास। फ्री में आज ये मैं कितने कितने आता है आज फ्री में मिल गए, हाँ फ्री में मिल गए आज, अब फोटो शूट वगैरह करना, और यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, तो यहाँ पे मम्मी लगे हुए, कितना टाइम लगेगा, हवा यहाँ काफी तेज, देखो कवर किसे किया हुआ गत्ते और तोड़े से, पापा लटे हुए हैं, देखो गाइस चेक करो
इस प्यारी सी ब्यूटी के बीच में हमारा खाना बन रहा है। हाँ हाँ, किसने मारा? आर्यन ने फौजी को मारा। हाँ हाँ, मारा इधर। हाँ हाँ हाँ, और भी हमारे चावल आलू दही से ही सब रेडी हो चुका है, यहाँ पे सब बैठ के खा रहे हैं। तो कैसे बने हैं? मजा आ रहा नहीं यहाँ पे बैठ के? ठंड क्या? खाना खा लिया? फ्री हो गया? ठंडे हो गए? सो गाइस, फाइनली यहाँ पे खाना शाना खा के ना फ्री हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा सफाई कर रहे हैं पहले, तो गाड़ियों के अंदर सामान वगैरह रख रहे हैं। तो ये भाई अब चलते हैं फटाफट से यार, क्योंकि धूप भी खत्म हो चुकी है भाई, सन सेट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा रजौरी के लिए। अब अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस, फाइनली अभी हम पोशाना चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे थे, तो अभी यहाँ पे नेटवर्क आया, तो व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह भी देख लिए। जो एनकाउंटर हमने आपको पहले बताया था ना, वो कहाँ पे हो रहा था? वो बैरम गला नीचे न्यूरिशम वाले एरिया के पास हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जो हम पोशाना चेक पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आने वालों ने भी हमें बताया कि यहाँ नीचे हो रहा है। तो भाई अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। हम तो ये पोशाना चेक पोस्ट से निकल आए हैं, बाकी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं थोड़ा आगे आके। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा आर्मी है, ये पीछे चेक कर सकते हो। देखो ये देखो गाइस, कितनी ज्यादा आर्मी है यहाँ पे। देखो वो यार बंद कर क्या कर रहा है? सो गाइस, अभी आपको मैंने क्लिप बताई है, बिल्कुल थोड़ी सी बताई है क्योंकि मैं ज्यादा शूट नहीं किया। तो बिल्कुल कॉर्डन किया हुआ है एरिया को, बिल्कुल पूरा का पूरा आर्मी ने कॉर्डन किया हुआ है। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, बैरम गला हमने क्रॉस कर दिया हुआ है। अब जल्दी से हम डीके जी क्रॉस करते हैं बस। तो गाइस, उसके बाद हमारा फोन स्विच ऑफ हो चुका था, उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया भाई। इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप दैट वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मत जाना। ओके बाय, टेक केयर।